हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नव दुर्गा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि। और आप सभी का अन्नपूर्णा किचन में एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है। आज हमने बनाई है नवरात्रि स्पेशल व्रत की थाली, जो आप एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। व्रत की थाली की शुरुआत करते हैं। उसमें हम सबसे पहले बनाएंगे साबूदाना रबड़ी। उसके लिए हम एक पैन में दूध गर्म होने रखेंगे, इसको उबलने देंगे, क्योंकि इस वाली रबड़ी में बहुत टाइम लगता है, इसलिए दूध को उबलाने के लिए हमने रख दिया है जब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। हमारे एक तरफ रबड़ी का दूध उबलने रखा है, जब तक हम फ्रूट का रायता बना लेते हैं। उसके लिए हमने ये फेटा हुआ दही ले लिया है। इसमें हम डालेंगे 4 टीस्पून शुगर। अगर आप शुगर कम खाते हैं तो थोड़ी कम ही रखें, क्योंकि फ्रूट्स भी मीठे ही होते हैं। इसको मिला लेंगे अच्छे से। आधी टीस्पून डालेंगे सेंधा नमक। ये व्रत वाला नमक है, क्योंकि आज हम व्रत की थाली बनाने जा रहे हैं। इसमें डालेंगे कटे हुए केले, सेब फल के टुकड़े और अनार। इनको अच्छे से मिला लेंगे और इसको एक तरफ ठंडा होने रख देंगे हम। दूध में उबाला आ चुका है, इसमें हम डाल देंगे ये हमने साबूदाने 4 से 5 घंटे पहले भिगो कर अच्छे से पानी से इनको गला कर रख दिया था, तो इनको डाल देंगे हम। अब इसको अच्छे से मिला देंगे। ये साबूदाने हमने डाले थे, इसमें देखिए अच्छे से भून चुके हैं और दूध भी गाढ़ा हो गया है इसमें। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार रखें, हमने यहाँ 4 से 5 चम्मच लिया। चीनी को अच्छे से घुलने दीजिए। ये अच्छे से चीनी घुल चुकी है और ये गाढ़ा भी हो चुका है। इसमें हम केसर वाला दूध डाल देंगे, हमने केसर घोल के रखी थी, और इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसको गैस को बंद करके आप इसको फ्रिज में ठंडा होने रख देंगे रबड़ी को। हमारा रायता और रबड़ी बन चुकी है, अब हम पूरी बनाएंगे। उसके लिए हमने ये व्रत का आटा लिया है राजगीरे का, ये आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा। अब इसमें नमक डालेंगे 1/2 से 1/2 टीस्पून और इसको मिला के आटा लगाएंगे, ना ज़्यादा कड़क ना ज़्यादा नरम। अब इसका आटा लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, एकदम पानी ना डालें नहीं तो गीला हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें आलू को उबाले कर टुकड़े कर करके भी डाल सकते हैं, तो वो आलू पूड़ी बन जाएंगे, पर हम सादा बना रहे हैं क्योंकि इसके साथ हम आलू की सब्जी बनाएंगे। ये आटा लग चुका है और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल का हाथ लगा के और इसको ढक के रख देंगे 5 से 10 मिनट के। आटा चेक कर लेते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए अब हम इसकी पूरी बनाएंगे। एक तरफ ऑयल गरम होने रख दिया है और इसको अच्छे से मिक्स लेंगे। थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगा लें, क्योंकि ये आटा चिपकता है। मिक्स लिया है, अब इसकी लोइयां बनाएंगे। जितनी बड़ी आपको पूरी रखनी है उतनी बड़ी, पर वैसे आप छोटी ही बनाएं, क्योंकि ये टूटती बहुत है, इसलिए ऐसे लोई बना लेंगे। और पटा बेलन ले लीजिए, उस पर एक पॉलीथीन लगा लीजिए आप, क्योंकि ऐसे नहीं बिल पाती, ये टूटती है। और उस पर लगाएंगे ऑयल लगा के पॉलीथीन पे, और इसको ऐसे मोड़ लेंगे, दोनों तरफ ऑयल लगाएं, इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे, और बेलन पे भी थोड़ा सा ऑयल लगा लें और इसको हल्के हाथ से प्रेस करते जाएंगे। ये देखिए पूरी बन चुकी है, ऑयल भी गर्म हो चुका है, हम इसको ऑयल में डालेंगे। अब इसको आराम से ऑयल में डालते हैं। ऐसे ही हम दूसरी बना लेते हैं, जब तक इसको मीडियम फ्लेम पर ही सेकें, नहीं तो जल जाएगी। इसको आराम से पलट के मीडियम पर ही बनाएंगे, और ज़्यादा पतली भी ना करें, नहीं तो ये कड़क हो जाती है। ऐसे ही हम सारी पूड़ियाँ बना लेंगे। ये देखिए सिक चुकी है अच्छे
इसकी, इसको ऐसे आप आराम से निकाल लीजिए। कढ़ाई ले लीजिए, उसमें डालेंगे 2 टीस्पून ऑयल, ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरा अच्छे से तड़कने दीजिए। अगर आप व्रत में जीरा नहीं खाते हैं तो ये जीरा स्किप कर सकते हैं। हरी मिर्च अच्छी हो चुकी है। अब इसमें थोड़े से मूंगफली दाने जो हमने सेक के छील दिए हैं, मूंगफली दाने भी सेक चुके हैं। इसमें आलू डालेंगे उबले हुए, उबाल के छील लिए थे, इनके टुकड़े कर लिए हैं। इसको के आलू मूंगफली नमकीन भी बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक, व्रत वाला नमक डालें, सेंधा नमक जिसको बोलते हैं, आपके टेस्ट के अनुसार, और थोड़ी सी काली मिर्च क्योंकि हमने हरी हुई डाली है। अब इनको मिला लें। ऊपर से थोड़ा सा हरा धना काट कर डाल दीजिए। ये आलू नमकीन रेडी है। उसी कढ़ाई में 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे, ऑयल को गर्म होने दें। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें जीरा डालेंगे, जीरा अच्छे से सिकने दीजिए। आलू जो उबाल के हमने टुकड़े कर लिए हैं उनको मिलाएंगे। आलू मिलने के बाद में इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार, व्रत वाला नमक और लाल मिर्च। अगर आप लाल मिर्च नहीं खाते हैं व्रत में तो काली मिर्च डाल सकते हैं, उनको भी मिला लेंगे। नमक मिर्ची मिल चुका है, इसमें 1/2 गिलास पानी डाल देंगे। पानी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना आपको सब्जी में पानी चाहिए हो। अब इसमें 1 उबाल आने देंगे। उबाल आ चुका है, देखिए सब्जी बन के बिल्कुल रेडी है। अब इसमें से धनिया पत्ती डाल दीजिए और गैस को बंद कर दीजिए। व्रत के लिए चटनी बनाएंगे, उसके लिए मूंगफली सेक ली थी, उसके छिलके उतार लिए हैं। कुछ हरे भी गए हैं तो कोई बात नहीं है। ये मूंगफली, हरी मिर्च 2 से 3 थी जिनको काट लिया है, जीरा 1 टीस्पून और ये नारियल का बूरा है। अगर आपके पास ताज़ा नारियल रखा हो तो उसे भी काट के डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे नमक, व्रत वाला नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार रखें, ये 1/2 टीस्पून और थोड़ा सा पानी डाल के चटनी बनाएंगे। देखिए चटनी बन चुकी, कितनी अच्छी लग रही है। अब इसको हम या तो आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, नहीं तो तड़का लगा देते हैं जीरे का। एक कढ़ाई रख लेंगे, उसमें डालेंगे 1 टीस्पून, थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल, ऑयल को गर्म होने दें। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरा अच्छे से तड़क गया, इसमें हम डाल देंगे चटनी, थोड़ा सा पानी डालेंगे फिर जार को धो के। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ये चटनी बन चुकी है। अभी हम मूंगफली और नारियल की इसको हम बंद कर देंगे। अब बनाएंगे हम व्रत वाली हरी चटनी, उसके लिए धनिया पत्ती हमने साफ करके ले ली है, हरी मिर्च 3 से 4 थी जो टुकड़े कर लिए हैं, जीरा 1 टीस्पून जीरा है, 1 टीस्पून जीरा और थोड़ा सा
अगर आप नींबू नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। आधी टी स्पून ब्रेड वाला नमक अब इनको पीस लेंगे। देखिए चटनी पीस चुकी है, ये हमारी हरी चटनी भी बनके रेडी है। ये हमारी रबड़ी ठंडी हो चुकी है। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, हमने नहीं डाले हैं। अब इसमें थोड़े से डालेंगे अनार के दाने, आप और भी फ्रूट्स डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, पर हमने फ्रूट्स रायता बनाया इसलिए इसमें सिर्फ अनार के दाने और ये गुलाब की पंखुड़ी। ये हमारी रबड़ी बन के तैयार है। हमारे व्रत की थाली बनके एकदम तैयार है, नवरात्रि स्पेशल। अगर आपको मेरी व्रत की थाली पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे घंटी का बटन है उसे क्लिक करें, जिससे कि मेरे नए नए ऐसे ही वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।